बोले सतगुरुदेव की। गुरु भक्ति अमान अडोल धर्मन यह सरस दूजा नहीं। जप योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश ये जग कही। आखिर गुरु भक्ति का इतना महात्म क्यों बोला गया? गुरु भक्ति का महात्म संतत्व की धारा में सबसे ज्यादा बोला। यूं तो शास्त्रों में भी गुरु भक्ति का महात्म है, वेदों में भी है, लेकिन समाज सर्वगुण भक्ति में गुरु का महात्म केवल क्या है? गुरु एक दिशा देता है, एक गाइड का काम करता है। भाई शुभ कर्म करना, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। निर्गुण गुरु योग और साधना कर रहा है के लिए कह रहा है कि ये करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। पर आपके अंदर कोई ऐसी ताकत, वो एक गाइड की तरह है। पर संतत्व की धारा में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। सात दीप नवखंड में गुरुदेव गड़ा न कुए, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। वजह आपको ध्यान होगा, मैंने भृंग मते पर आपसे काफी बातचीत की, गुरु का महात्म अधिक बोला। आइए देखें, धर्मदास जी साहब से एक सवाल कर रहे हैं, गुरु भक्ति कैसे की जाए? इसलिए आप देखें, वेदों में भी ध्यान मूलम गुरु रूपम कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी गुरु की महान अस्तुत की है, गुरु बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम्मोई। साहब ने भी किया है, रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। धर्मदास जी साहब से एक बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं, किस तरह गुरु भक्ति की जाए, उसकी विधि बताओ, बहुत जरूरी है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्त भेद कोई बड़ला जाना। आगे भक्त भय भव भारी, करी भक्त पर युक्त न धारी। धर्मदास कर जोड़ जोड़े ठाड़े, एक टक सुरत प्रेम चित बाड़े, करह दया तुम निर्गुण स्वामी, वचन सुना वह अंतर्यामी। किम गुरु ध्यान वंदना कीजिए, होए सुदृष्ट मोह कर दीजिए। गुरु की अस्तित्व कैसे की जाए, वंदना कैसे की जाए, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे ये सूत्र बताओ। जापत जीव तरे भव सागर, शोक हुए हंसन पति आगर। जिससे इस आत्मा का कल्याण हो, भव सागर से पार हो, तह मग शीश गुरुपद लागू, नहीं धम धाम होए अनुरोध। मैं उसी रास्ते पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा, मैंने एक शब्द कई बार बोला है, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिठवा का धंधा। आप देखें दुनिया के लोग एक दो भूले थोड़ी हैं, सब भूले। जासे नाता आदि का बिसर गया तैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। जिस आत्मा से हमारा अनादि नाता है, शरीर तो न जाने कितने शरीर धारण किए। यूनिक बात यह है कि हम सब देख रहे हैं शरीर नाशमान है और आत्मा नित्य है, इसलिए कोई शरीर छोड़ता है तभी भी हम अस्तित्व करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभाएं करते हैं, इसकी आत्मा को का कल्याण कर। धर्मदास जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। साहेब उत्तर दे रहे, कह रहे धर्मदास भूजे बल ज्ञाना। बोला तुमने अच्छा ज्ञान पूछा है, अब चित देकर सुनो। साहेब सम सदगुरु को जाना, दूजी भावना चितना आने। आखिर ये क्यों कहा? गुरु का वचन सत्य कर माने, ये तुम्हारे आपके कल्याण के लिए बोला। आप सुने
आपने भक्ति पकड़ी, मैंने आपको बताया तीन लोक में यम का राज है, निरंजन का देश है, उससे परे चौथा लोक है, इसलिए उसकी भक्ति करूं। आपने उसको फॉलो किया तो आप आगे चले ना। अगर आप विश्वास नहीं करना था तो आगे भक्ति का कोई मतलब ही नहीं था। कहो कवन सिद्ध बिन विश्वासा, बिन प्रतीत जीवना तरी। जब गुरु मिले करे प्रणामा। अब भक्ति का सूत्र बता रहे हैं, छिन छिन पल पल आगे जाऊंगा। शिष्य सुमर निश्चिन अनुरागा, वाह प्रेम से निश्चिन सुमरण करें। अब यहां गोस्वामी जी भी एक बात करें, श्री गुरुपद नख गण मण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। इसलिए पूर्ण गुरु चाहिए। आप जिसका भी ध्यान करेंगे कल आएगी। महाभारत काल की बात मैंने कई बार बोली, जब एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुम्हें ये महान धनुर्विद्या नहीं दूंगा क्योंकि तुम भील जाति के हो, जंगल में रहते हो, शिकार करोगे। दूसरी बात, मैं ये शिक्षा सिर्फ राजकुमारों को देता हूं। एकलव्य ने कहा मैं भी भील राज का पुत्र हूं, मैं भी राजकुमार हूं। द्रोण ने उस तरफ को स्वीकार नहीं किया, एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं दी। एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हुआ, अर्जुन के समकक्ष हुआ। तो द्रोण ने जब उसके पास ये विद्या देखी, पूछा तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य द्रोण को ले गया जंगल में, कहा चलो मेरा गुरु दिखला दो। माटी की मूर्ति थी द्रोणाचार्य की, पर्दा हटा कर दिखाया, बोला ये मैं इन्हीं का ध्यान करता। आप जिसका ध्यान करेंगे उसका गुण रूप आप में आएगा। नाम लेत रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विषय के। आप जिसका भी नाम सुनन करेंगे उसका रूप और गुण आप में आएगा। ये दोनों चीजें आप में आएगी। जो जिसका सुमरण करता है नितांत उसके अंदर, उसका रूप और गुण। कुछ दिन बाद आप विश्वास करना, वैज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि कंसंट्रेशन की भी हाईली वाइब्रेशन है। इसलिए गुरु के ध्यान का महत्व इतना ज्यादा बोला, उनके पास स्पेशल ताकत है। तभी कहा गुरु सुरती सुरधेन समाना, जरूर आप यही परमात्मा में भी ताकत है। और प्रमाण मिलता है, इंसान जब परेशानी में होता है, दुख में होता है, उस समय वो क्या करता है, उस समय वो परमात्मा को सुमरण करता है। यानी उसके दिल में ये यकीन है कि मेरी आवाज वहां तक जा रही है, आपकी साउंड की वेव भी जाती है। आप देखें, आप मुख से निकले हुए शब्द खत्म नहीं होते, ब्रह्मांड में घूमते हैं। वैज्ञानिक लोग आज एक रिसर्च कर रहे हैं, वो ओरिजिनल वासुदेव कृष्ण की आवाज स्पेस से ढूंढ रहे हैं, वो पूरे श्लोक जो थे। वो कह रहे हैं वो साउंड घूमती रहती है, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द खत्म नहीं होता है, इसलिए इस मुख से जो भी निकालो सोच कर निकालना है। तो मैं गुरु अस्तित्व पर बोल रहा था, इस तरह गुरु के ध्यान से एक जबरदस्त ताकत शिष्य के अंदर आती है। आइए देखते हैं। जब गुरु मिले करे प्रणामा, छन छन पल पल आगे जामा। अब धनदास जी को साहब कह रहे हैं, उन्होंने पूछा गुरु भक्ति कैसे करें, कहा पल पल गुरु का ध्यान करना।
श्री सुमन निस्दिन अनुरागा पान दे वैश मत भागा। वैश कहते हैं कौए को, कहते हैं नामदान देने के साथ कौए की वृत्ति चेंज हो जाती है, काग पलट हंसा कर देना। सदगुरु शब्द गहे टकसारा भौजल जीव उतारे पारा। वाह, यानी टकसार कहते हैं खजाने को, बीजक कहते हैं खजाने का पता बताने वाला शिलालेख। तो साहेब टकसार मार्ग भी कहते हैं, से खजाना दिया। आप अनुभव करते होंगे नाम के बाद आपके साथ बहुत बड़ी ताकत काम करती है। आज 27 नवंबर है, काफ़ी शादियां भी हैं। अभी मैं यहाँ से सत्संग के बाद एक विवाह भी कराना है, लोग मेरा इंतजार भी कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन। खैर ठीक है, ये तो काम चलता रहता है, लेकिन मुझे खुशी है इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैंने मार्च से सत्संग करना शुरू किया था। आज नवंबर है, आज 27 नवंबर है, इतना लंबा टाइम मैंने रोज एक घंटा प्रवचन देने की कोशिश की। और जब मैं देखता हूँ व्यूवर की, देखता हूँ कभी कभी 40,000 लोग देखते हैं, कभी 20,000, कभी 30,000, फिर फेसबुक में जाते हैं, अपना उसमें चले जाते हैं, फेसबुक में भी हम डाउनलोड करते हैं और गूगल में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से इस लाइव प्रोग्राम का एक लाभ हुआ है, लोगों में एक चेतना आई। मुझे एक आदमी ने कॉल करके कहा, गुरुजी बाकी जब आप होते हैं, सत्संग होता है, तो आप हमें क्लियर दिखते भी नहीं हैं, और लेकिन हम आपका दर्शन होता है, लेकिन जो ये प्रोग्राम में आप इतने क्लियर दिखते हैं कि आप बिल्कुल साफ दिखते हैं। तो कहने का मतलब है इस निश्चिंत रहे। अब साहब कह रहे हैं गुरु की गुरसुरती सुरधीन समान। सदगुरु शब्द गहे टकसारा भौजल जीव उतारे पारा। बैठा है घट भीतरी, बैठा है सहचेत, वो ताकत आपके साथ है, कहीं दूर नहीं है। साहेब साहेब क्या करे, साहेब तेरे साथ। यूं तो घट घट साइया संतन करी पुकार, बलिहारी वा घट की जागट प्रकट हुए। तो गुरु ने आत्म रूप लगाया, आपको लगता होगा एक ऐसा पावर आपके अंदर क्रिएट और जाग चुका है, जो आपको कदम कदम पर कृताकृत को बता रहा है, आपको संरक्षण दे रहा है। तिनका तोर देव जी जीवियाना, फिर नहीं जन्मे धर्म भवाना। वाह, एक बात बड़ी साफ है, बोलते हैं फिर संसार सागर में वो जन्म नहीं लेते हैं, संसार सागर से वो पार हो जाता है। गुंज वर्ण सु हंसा होई, गुरु लहे ते हंस समोई। वाह वाह, कर्म देख के तुरंत रावे, जय नाम जय जीव को कर्म काटते हैं जान, हंस होए सतपुर चले सतपुर वचन प्रमाण। बड़ा गहन शब्द कह रहे हैं साहब यहाँ कि सभी कर्म कट जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है। आप इसको तो अनुभव कर सकते हैं, आपके पास नाम लान के बाद कुछ चीज़ें आई। पहली बात तो ये आई, आप चेतन हो गए, चेतन तो आत्मा है, आपको चेतन कर दिया। दूसरी बात ये, आपको अभी अंदर के दुश्मन समझ में आ रहे हैं, यही दिव्य ज्ञान है, यही दिव्य दृष्टि है, आपको समझ में आ रहा है काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। कृताकृत सही गलत आप समझ रहे हैं। करे अटल युग युग का राजू, जिन पाया निर्णय का साजू, होए बहुर स्त्र गर्व ना आवे, वर्ण भेद परवाह ना पाए। वाह, साहब कह रहे हैं कि आवागमन का चक्र छूट जाता है, सो गुरु की पुनः आर्थ कीजिए, चरण पखार चरण रज लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं गुरु की आरती, और कह रहे हैं चरण पखार धोकर चरण रज लीजिए। सो रज ही है और शिष्य चढ़ावे, काल प्रबल तह निकट ना आवे।
इतनी इतना बड़ा इंश्योरेंस साहब दे रहे हैं, ऐसे गुरु मुक्त के मुला तह पद सम दूझा नहीं तुला। कह रहे हैं सात दीप नौखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। साहेब गुरु साहेब जाने दृढ़ हिता, जय प्रताप काल जग जीता। आप देखें मन ही आए काल कर। आप एक चीज देखें, आपका सेल्फ कंट्रोल कितना हो गया, अपने मन पर नियंत्रण कितना हो गया। पहले ये आवारा था, जहाँ चाहे ले मारता था, जो चाहे कराता था। अब ऐसी दशा नहीं है। शिष्य जो करे गुरु से चोरी, अजगर होए योनि तहकेरी। शिष्य जो गुरु से अंतर करे, जन्म जन्म चौरासी पड़े। गुरु निंदा श्रवण सुने जब ही वेग है ठाव तजे पंत भई। गुरु निंदा श्रवण सुने तत्क्षण छोड़े ठाम, जय कान गुरु अस्त सुने निंदा निकट नान। कह रहे हैं गुरु निंदा हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, उससे हट जाओ उस समय। गुरु से द्रोह शिष्य जो संतन कीन विरोध, सो चौरासी भर में ही मारे काल कर क्रोध। इसलिए गुरु अस्तित्व का लाभ बहुत अधिक साहब ने बोला। मैंने ऋग्वेद का एक श्लोक कई बार बोला है, सहस्त्राणी कल्प काशी बसंत यत फलम क्षणार्धि गुरु चिंतित यथाधिकम। 5 तारीख को हम एक यहाँ छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा आश्रम में ज़्यादा भीड़ नहीं कर रहे हैं। तब मुझे दीक्षा देते 50 साल हो जाएंगे, गोल्डन जुबली। और छोटे से जीवन में किसी काम को 50 साल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सब साहब की कृपा से। तो आज 27 तारीख है, 8 दिन बाद वो हम लाइव प्रोग्राम तो चलता रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि ये चलता रहे, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मैं सोचता हूँ चलता रहे। इसका आउटपुट, इसका प्रतिफल बड़ा अच्छा मिल रहा है हमें। दूर दूर बैठे हुए लोग, मैं इसमें भी देखता हूँ, कई लोग यहाँ अपनी तरफ से संदेश देते हैं, साहेबंदगी भेजते हैं। आजकल मैं नाम लेना बंद कर दिया, क्योंकि अभी हज़ारों लोग नाम ले रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसका नाम नहीं लें वो सोचता है हमें गिना ही नहीं शायद। और 1000 आदमी का नाम अगर लूँगा तो फिर मैं सत्संग कर ही नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने कहा आप किसी का नाम लेना ही नहीं है। तो इस तरह बंधुओं आप ध्यान देना, ये गुरुसूर्ति सुरधेन समान, सहस्त्राणी कल्प काशी बसंती यत्फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते यथाधिकम। 1000 साल काशी में रहकर कल्पों तक अगर साधना करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा फल है गुरु के ध्यान का। ये वाणियाँ कह रही हैं, गुरुसूर्ति सुरधेन समाना, सुरत मान स्थिर करो गुरु में देह समाए, कहे कबीर धर्मदास से। वाह, अगम पंथ रखा है। अच्छा साहेब की।